तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चार्ट। हम बात करेंगे डायनेमिक चार्ट। तो आज हम चार्ट में कुछ ट्रिक्स को देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में चार्ट्स के ऊपर बताया था कि किस तरह से चार्ट इस्तेमाल किया जाता है, क्या बेनिफिट है, क्या क्या चीजें उसमें लगते हैं, कैसे कलर करते हैं वगैरह वगैरह, जो बेसिक कंसेप्ट था वो हमने बात की। हम बात कर रहे हैं डायनेमिक की, कि किस तरह से हम चार्ट को डायनेमिक कर सकते हैं। तो जब हम चार्ट बनाते हैं तो हमें एक डेटा चाहिए होता है। जब आपके पास एक डेटा है तो एक चार्ट आप बनाते हैं, बट क्या एक सिंगल नंबर पे हम चार्ट बना सकते हैं? तो आज हम इसी चीज पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक पर्टिकुलर नंबर पे कैसे चार्ट बनेगा। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास सिर्फ यहां पे 25% दिया हुआ है। 25% से किस तरह के चार्ट बन सकते हैं, इसी के हम आपको एक या दो एग्जांपल आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं कि इसको हम डिवाइड बाय 2 कर देते हैं और यहां हम इक्वल 50% माइनस इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे 50%। हमने इस तरह से इसको कंट्रीब्यूट कर दिया है कि तीनों का सम जो है वो 100% होगा। फिर इस तीनों को सेलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पाई चार्ट में आते हैं और पाई चार्ट को सिलेक्ट कर, उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं राइट क्लिक। अब इसमें क्या हुआ कि देखिए 50% में आधा आ गया, बाकी ये आपका दोनों का परसेंटेज है। अब देखिए इस चार्ट को मैं कैसे अपने तरीके से यूज करता हूं। तो राइट क्लिक किया, इसको सिलेक्ट करता हूं, मैं राइट क्लिक करता हूं फॉर्मेट डेटा सीरीज। जी हाँ, राइट क्लिक करने के बाद हमने फॉर्मेट डेटा सीरीज पे आ गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि यहां देखिए एंगल है, तो इसको हम 270 डिग्री पे रोटेट करेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो 50% वाला पार्ट है वो आपका इस तरह से नीचे आ जाता है। इस पे दो बार हम क्लिक करेंगे तो सिर्फ मेरा ये जो 50% वाला पार्ट है वही सिलेक्ट होता है। फिर इसकी कलर में जाके, फिल में जाके हम नो फिल कर देते हैं। तो नो फिल करने से क्या हुआ, अब देखिए जो 380 डिग्री पे था वो है, वो अब 360 डिग्री पे था, सॉरी अब वो 180 डिग्री पे आ गया। उसके बाद फिर मैं इसको दो बार सेलेक्ट करता हूं और इसकी जो सॉलिड कलर है उसको हम यहाँ ब्लैक या ग्रे जैसा देना देना चाहे जो आपको सुटेबल हो वो करिए, और इसको सेलेक्ट कीजिए। इसकी जो सॉलिड कलर है हमने इसको, इसमें बीच में व्हाइट है मतलब कि बॉर्डर है तो उसको नो बॉर्डर कर देते हैं, और इसको भी सिलेक्ट करके मैं नो लाइन या नो बॉर्डर कर देता हूं। ओके, अब मैं राइट क्लिक करके सिलेक्ट डेटा पे जाता हूं और सिलेक्ट डेटा पे इसको एडिट पे आता हूं। यहां जो टाइटल है, टाइटल में मैं इस नंबर को सिलेक्ट कर, और इसको जहां उठा के रखना है हमें रख सकते हैं। मैं इसको उठा के यहां रखना है, यहां रखिए, कहीं और रखना है तो यहां और भी रख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, थोड़ा सा बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। तो इसको अपने हिसाब से पहले फॉर्मेट को एडजस्ट कर लें जैसा आपको करना है। उसके बाद हम इसी पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट पे जाते हैं। फॉर्मेट में देखिए यहां टेक्स्ट बॉक्स दिखता है, तो टेक्स्ट बॉक्स में मैंने इसको यहां सिलेक्ट किया और यहां पे मैंने कर दिया 0%, और इसको मैंने उठा के यहां रख दिया। उसके बाद फिर वापस हम फॉर्मेट में गए, टेक्स्ट बॉक्स पे गए और इसको हम यहां पे 100% कर देते। उसके अलावा मैं यहां पे 50% लिखता हूं और फिर वापस इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट में। अब देखिए जो इसका जो बार है वो आप अपने हिसाब से जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं।
अब देखिए, अब इसको किसको कहीं कट करके भी ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10% 20% 30% 40% 60% 70% 80% 90%। तो गैरी जी एंड बाकी लोग, क्या समझ में आया है चीज आपको? यस सर। तो एक पर्टिकुलर नंबर को भी इस तरह से हम कर सकते हैं। इसमें और भी ज्यादा अगर डालें फॉर्मेटिंग करें तो और ज्यादा अट्रैक्टिव हो। इसी से हम आपको दूसरा एग्जांपल बताएंगे दूसरे इसमें। चलिए तो दूसरा एग्जांपल जानते हैं। तो पहले एग्जांपल में हमने आपको बताया था कि इस तरह से हम नंबर्स पे चार्ट करते हैं। अब इसका दूसरा एग्जांपल हम बताते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे 50% हमारा है या 30% जो भी परसेंट हो हम परसेंट लेते हैं। यहाँ पे 100% और इसके बगल में भी हम 100% लेते हैं और नीचे भी 100% लेते हैं। उसके बाद इसको हम सिलेक्ट करके इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट में हम लेते हैं अपना कॉलम चार्ट। ओके, अब क्या है कि इनको सिलेक्ट करके इसकी जो फॉर्मेट है इसमें जो ओवरलैप है ओवरलैप को पूरा एक कर देना, मतलब एक के ऊपर एक एक चल जाना चाहिए। उसके बाद मैं इस वाले पोर्शन को डिलीट कर देता हूं, इसको भी डिलीट कर देता हूं। यहां पे वन के यहां वन कर दूंगा तो अंदर वाला सिलेक्ट हो जाएगा। इसको भी सिलेक्ट करके मैं नीचे की तरफ कर, फिर इसको जो नंबर्स हैं इसको मैं डिलीट कर देता हूं, साथ में इसको भी डिलीट कर देता हूं, यहां जो आ रहा है इसको भी डिलीट कर देता हूं। चार्ट टाइटल भी इसमें रखने की जरूरत नहीं है। अब मैं इस जो ऊपर सिलेक्ट किया है इसको राइट क्लिक फॉर्मेट सेल में ही आता हूं और यहां देखता हूं यहां पे एक्सेस पे, नहीं एक्सेस तो डिलीट हो चुका है तो हमें एक्सेस की जरूरत नहीं, तो मैं इसको बढ़ा देता हूं। लेकिन इसमें उतना फायदे वाली चीज हुई नहीं, तो चलिए इसको और थोड़ा सा फायदे वाली चीज मैंने कि और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता हूं। उसके लिए हमें थोड़ा सा मदद लेना होगा शेप। तो इंसर्ट मैं शेप को सिलेक्ट करता हूं, शेप में बहुत सारे शेप से लेकिन मैं इस वाले शेप को सिलेक्ट करता हूं, क्यूब चार्ट इसको हम लोग बोल सकते हैं। और मैं इसको लाइन इसकी कलर क्या कर देता हूं रेड, लेकिन इसकी जो आउटलाइन है उसको कर देता हूं ब्लैक और इसी की एक कॉपी बनाता हूं। इसका जो है आउटलाइन देता हूं रेड जिस जो है वो, और कलर जो कर देता हूं वो कर देता हूं नो फिल। ओके, और इसकी जो विड्थ है थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूं, बेटर रहेगा पहले से। अब इस वाले को मैं कॉपी करता हूं और यहां इस पे क्लिक करता हूं जो बड़ा वाला है उस पे राइट क्लिक, हम करते हैं फॉर्मेट डेटा पॉइंट और इसकी फिल में पिक्चर्स और इसको क्लिप बोर्ड से ले लेते हैं। ओके, तो हमारा कलर वाला था इसको कॉपी करते हैं और जो बाहर जो ब्लैंक है एज है छोटा वाला एरिया उसको सिलेक्ट करते हैं, फिल में जाते हैं और इसको पिक्चर्स लिखो। मैं इसको डिलीट कर देता हूं, इसको भी डिलीट कर देता हूं और इसको सिलेक्ट करके करता हूं ऐड डेटा लेवल। नंबर को आप थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं।
अब यहाँ पे 70%। अब मैं कहीं और इसको लिंक कर देता हूँ, इसको यहाँ पे 50% या परसेंट का सैंपल डालता हूँ, 50%। सैंपल 50% और इसको जो है हम लिंक कर दें इसकी जो टैक्स कलर है, इस टैक्स कलर का है कॉलम को हाइड ही कर लीजिए, नहीं हाइड करने में दिक्कत होगा, अगर इसको हाइड कर देते हैं तो आपका डेटा नहीं दिखेगा, क्योंकि चार्ट उसी डेटा को देखता है जो विजुअल है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके इसकी जो फॉन्ट कलर है इसको वाइट कर देंगे। सर मजेदार चीज, काफी अच्छा लग रहा है सर ये। लेकिन इसमें दिक्कत है, जैसे मान लीजिए मैं 80% कर रहा हूँ, 90% कर रहा हूँ, तो कम गया ना, ऐसा क्यों हुआ? 90% इसीलिए हमें एलिमेंट ऐड करके देखना होगा एक्स, यहाँ पे एक्सेस। तो क्या होता है, ये एक्सेस हमारा ऑटो है, तो जैसे आपका नंबर बढ़ता है एक्सेस भी अपने आप को इंक्रीज कर देता है। तो हमें क्या करना है, इसकी एक्सिस को फॉर्मेट में आके हमें यहाँ पे मिनिमम 0 और मैक्सिमम 100 कर देना, 100 मतलब कि 1, समझे, और उसके बाद फिर प्लस में इसको हम एक्सिस एक्सिस को हटा देंगे। अब चेंज सर ये एक्सिस का नहीं समझ में आया, मैक्सिमम 1 क्यों लिया? 100% के लिए मैक्सिमम उन्होंने बन लिया, नहीं समझे? एक्सेस ऑटो ऑटो पे होता है ना, तो डेटा के अकॉर्डिंग वो बढ़ते जाता है, मतलब जो डेटा आपका है उससे 10 या 15% अपने आप अप चला जाता है, समझे? हाँ। तो मैंने वहां पे जाके फिक्स कर दिया कि भाई 1 हो, मतलब कि एक्सटर्नल तो 100% इक्वल टू 1 ही होता है ना, तो 1। ओके ठीक है, समझ में आ गया सर। समझ आ गया? और सर इसमें जो 63% है, जैसे आप 63 लिख रहे हो तो वो नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो ये परसेंट भी ऊपर नीचे जा रहा है, जबकि ये टेक्स्ट बॉक्स ही है, तो वो कैसे जा रहा है? टेक्स्ट बॉक्स नहीं है सर, हमने इसको डेटा लेबल ऐड किया ना, ऐड डेटा लेबल। अच्छा ठीक है ठीक है, इसकी वजह से वो ऊपर नीचे जा रहा है जी। ओके, ऐसे आप बियर की ग्लास वगैरह जो होती है उसमें भी बना सकते हैं, और भी बहुत सारे होती है, बैटरी वगैरह, पेंसिल बैटरी, बैटरी की टाइप कर सकते हैं, बैटरी की तरह हो। ये वाला काफी अच्छा लग रहा है सर। ठीक है, तो बैटरी वगैरह कर सकते हैं, इमेज डाल के और इमेज को फिल कर सकते हैं। समझ में आ गया जी सर। अब बात करते हैं मेल फीमेल चार्ट। मेल चार्ट हमारा हो गया, मतलब मान लीजिए कि मेल हमारा 100 है और यहाँ पे फीमेल जो है, फीमेल मान लीजिए 95, तो मुझे इसको मेल फीमेल चार्ट में शो करना, कैसे करें? देखिए इसके लिए आपको थोड़ी सी मदद लेनी पड़ेगी पावर पॉइंट, हम बात करेंगे अगली एग्जांपल में इसको। ओपनिंग करता हूं पावर पॉइंट, कैरी जी समझ में आ रहा है आपको?
हमने दो एग्जांपल किए, पहला एग्जांपल किया हमने इसको, दूसरा एग्जांपल हमने ए किया, और इस तरह के चार्ट। तीसरे एग्जांपल में हम मेल फीमेल चार्ट बनाना चाहते हैं। जैसे कि हमने बताया कि मेल फीमेल चार्ट में हम बात करेंगे, थोड़ा सा हमें हेल्प लेना पड़ेगा इसमें पावर पॉइंट का। क्या हेल्प लेना पड़ेगा हम बताते हैं, कुछ फीचर्स जो है पावर पॉइंट में है बट एक्सेल में नहीं है, इसलिए उसी चीज को हम बात करते हैं। तो यहां आपके इसमें इंसर्ट के अंदर में मेल फीमेल सेफ है, नहीं मेल फीमेल सेफ नहीं है, तो टेक्स्ट बॉक्स, और इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में हम यहां इंसर्ट में ही सिंबल होगा, सिंबल में मैं भूल गया हूँ उसका फॉन्ट का नाम क्या है, नाम एक बार भूल गया हूँ, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, माफी चाहूंगा, क्योंकि इस तरह के चार्ट्स में बहुत पहले बनाया था ना, थोड़ा सा इंसान ही दूसर और ढूंढना तो हमें कंप्यूटर ही पड़ता है। इसे मुझे मेल और फीमेल का आइकन चाहिए और कुछ नहीं। देख लू सर, बुरा नहीं माने तो आप लोग, मेल फीमेल का जो आइकन होता है ना, जो वो आइकन चाहिए सिंबल से। तो अपने पीछे भी खोजिए थोड़ा सा, क्या कहते हैं ये मेल का हो गया, ये रहा
फीमेल हो गया, फीमेल का ये रहा मेल, जेबी फॉन्ट कस्टम करके आता है, पहले फीमेल करता हूँ बाद में, ये दो अलग अलग है ना, लेकिन इसकी साइज थोड़ा सा बढ़ाना होगा, तो इसकी साइज जो है मैं उसके बाद यहाँ हम डिजाइन पे आते हैं, इंसर्ट में आते हैं, इंसर्ट में हम सैप में आते हैं और ए वाली जो सैप है इसको मैं ड्रैग करता हूँ, उसका ब्लू ही रहने देता हूँ। अब इन दोनों को, अब इन दोनों को मैं यहाँ इसके इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट में यहाँ मर्ज दिख रहा है, तो एक होता है मर्ज, मैं क्या किया इन दोनों को मैं इसके ऊपर और सिर्फ के साथ मैंने इसको भी सेलेक्ट कर लिया, अब इसे मर्ज है, एक यूनियन होता है एक कंबाइन होता है, दिखा था कंबाइन में क्या हुआ कि जितना जो एरिया फीमेल का था वो एरिया हमारा ब्लैंक हो गया। और इसको इसकी जो बैकग्राउंड कलर है इसको मैं व्हाइट कर देता हूँ, नो फिल कर देता हूँ, तो इसमें जो बॉर्डर लाइन है आउटलाइन दे देता हूँ पहले मैं ब्लू का, और इसकी सैथ को नो कलर दे देता हूँ, ठीक है फिलहाल के लिए, बाद में इसको इसको तो कॉपी करता हूं, और कॉपी करने के बाद मैं यहां पेस्ट करता हूं, हो गया। फिर मैं इस पे मान लीजिए चार्ट बनाता हूं, इंसर्ट, और यहां पे मैंने बताया था ना जैसे कि 100 क्या इंसर्ट और हमने दे लिया चार्ट, इसको मैं डिलीट कर दिया, इसलिए थोड़ा सा उल्टा हो गया, एक मिनट मैं सही करता हूँ, यहाँ हो जाएगा आपका मेल, यहाँ हो जाएगा फीमेल, यहाँ हो जाएगा आपका 95, यहाँ हो जाएगा 100, और यहाँ हो जाएगा हमारा 100 और आपका 100, ये जरूरी है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया इंसर्ट और यहाँ पे हमने चार, अब इनको सेलेक्ट करके डेटा पॉइंट में आता हूँ, फॉर्मेट डेटा पॉइंट, और इसकी ओवरलाइटिंग को हम 0% करें, ये 100 वाला है ना, टू नंबर है इसको 1 नंबर करें, ये आ गया ना 1 नंबर, जो 101 चला गया है इसको फिक्स कर देते हैं, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 100, हम इसको देखिए तो इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी किया
और जो अंदर वाली है जो पहला वाला है उसको राइट क्लिक किया, फॉर्मेट डेटा पॉइंट डेटा सीरीज फिल, फिल में यहाँ पे पिक्चर्स, पिक्चर में फिल्म। इसको कर दिया क्या सर? अब देखिए थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी एट्टी और इस पे सेलेक्ट करके राइट क्लिक ऐड डेटा लेवल कर लेता हूं। एक मिनट इसको टू पे वन कर देता हूं, इसको सेलेक्ट किया राइट क्लिक ऐड डेटा लेवल और फिर इसको वन है टू है इसको वन कर देता पीछे जो देता हूं और इस थर्टी को ठीक है इसको बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा कर देते सही। अच्छा लग रहा है सर? जी सर डिफरेंट है, डिफरेंट है ना। तो अब तो हमने मेल भी किया, अब आपको इस पे फीमेल पे करना है। तो फीमेल किया मेल आप? हाँ, मेल कर। ओके सर, इसकी वीडियो अपलोड कर दोगे आप? जी हाँ मैं कर दे। थैंक यू सर। कल मिलते हैं सेम टाइम। Bye sir. Okay, bye, good night. Bye sir, good night.